यार भी खाना आता तो भाई बना के दे देती मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा खिड़की खोल देती हूँ, धुआं धुआं हो जाए। टमाटर, अनियन, मिर्ची और नमक क्या बच जाएंगे? नींबू। ये हो गया। Hello guys, welcome back to this channel. आज मैं और राजा, आज मैंने राजा को पकड़ लिया है व्लॉगिंग करने के लिए। हमेशा राहुल रहता था मेरे पास तो उसको पकड़ती थी, अभी ये है। आज हम लोग जाने वाले बनाने के लिए उड़ीसा जाने वाले बनाने के लिए पहले बना के रखे, मतलब मैं रेडी करके रखी हूँ, अभी बस किचन में जाके कुछ कुछ थोड़े काम करने, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो बनाते कैसे है। वो है उड़ीसा का ऑथेंटिक खाना जो है क्या, पकाल भात, पखाड़ा भात। तो चलिए, पखाड़ा भात आलू चकोटा, टमाटर इतना ये करके रखिए तो इतना, मेरे को लगा हम दोनों खत्म कर देंगे। मुझे लगा पखाड़ा भात को बना रही थी। आलू इसके अंदर है, तूने आलू भी नहीं बनाई अभी तक, मतलब बॉयल हो गया है, पर इसको निकालना है बस इतना। आलू भी ज्यादा है कि आलू तो कम ही लगेगा तुमको ना, आलू भी बहुत ज्यादा है यार। कोई नहीं, हम दो ही है तो दोनों के लिए बनाए, पूरी दुनिया के लिए बनाए, बना दे कल सुबह ऑफिस लेके चले जाओ। हाँ कुछ भी मैं खाऊंगी। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाना स्टार्ट तुझे करनी है। हाँ क्या क्या करना है तुम मेरे को बताना। फ्रिज से लेके आओ मिर्ची। मेरा पति सबसे मासूम है बेचारा, ऑफिस से यार मैं उसे काम करवा रही हूँ। मैं बोली थी कड़ी पत्ता लेके आना, तुम ही नहीं लेके आए। कड़ी पत्ता के बिना टेस्ट ही नहीं आता है पखाल भात का। ऐसे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ आलू, मैं जल्दी जल्दी से पचक 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 छील लेती हूँ। पता है तेरे को, नॉर्मली क्या होता है ना, जब गांव में जाते हैं, मैं तो मेरे गांव में, नॉट मेरे घर, गांव वाला घर अगर कभी जाता था ना मैं, जब जाता हूँ अगर मेरे बड़े पापा के घर पे, तो खाने के लिए हमको ये मिल जाता पखाल भात। पखाल के साथ साथ और एक गर्मी के टाइम में खाते हैं, जाऊ भात बोलते हैं उसको, जाऊ भात। हाँ वो भी अच्छा है। अच्छा। वो एकदम मैं भर भर के खाता था सभी कच्चे, मेरे पापा का तो फेवरेट है वो चीज, ये वाला टमाटर अनियन, हाँ, कच्चा, हाँ, और ये मिर्ची, हाँ, नमक, हाँ, डाल दे, नींबू दे दे मेरे पापा। तो शादी के बाद पहली बार हम लोग खा रहे हैं उड़ीसा का खाना। बताओ कैसा उड़िया वाला लड़का है ये, कुछ नहीं पता इसको। लूना मिर्चा नहीं क्या बोलते हैं उसको यार, चलो कोई बात नहीं, याद कर लो, भूल गया, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मैं पूरा मत काट, अब नहीं खा पाएंगे ये सभी चीज, कल सब्जी बना ली हो उसमें, ठीक है चलो, बस इतना बहुत है, अब नहीं खा पाएंगे। बीच में मेरे को उठाना मत कि बाबू, और लाके दे दे। हमारा आलू, एक ही प्याज काटेंगे क्या? नहीं और एक प्याज काट ले। ठीक है, ये रहा प्याज, मिर्ची, नींबू निकाल लेती हूँ फ्रिज से, किचन की हालत बहुत गंदी हो रखी है। इतना काफी है ना राजा? हाँ ये काफी है, मैश करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है चलो, मैश करने के लिए इससे करो कि हाथ से कर ले? इससे कर ले, हाथ से मत, एकदम देसी स्टाइल में बना, हाथ से करेंगे। हाँ देसी स्टाइल में बनाना, उसके बाद हाथ में करना। ठीक है चलो, तो राजा को मैंने बोला है बर्तन धोके देने के लिए, क्योंकि राजा ने मेरे को अभी जो वीडियो दिखाया उसमें छोका पाना है, प्याज वगैरह डाल के फिर आलू जो मैश करके रखूंगी मैं उसको। तो यहाँ पे मेरे पति काम कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अब मैं डालने जा रही हूँ ऑयल, सरसों ऑयल। इतना ऑयल ठीक है ना राजा? इतना ऑयल ठीक है। मेरा वो आलू जो मैं डालूंगी उसमें, सबसे पहले पर प्याज डालूंगी, फिर मिर्ची डालूंगी, एंड हाँ हम लोगों ने राइस को भी भिगा के रखा होता ओवरनाइट। दिखाओ राजा कहाँ है राइस? बस इतने ज्यादा राइस है, बहुत ज्यादा हो गया, इतना कम ही है, कम है, दिखाओ। तो ये है वो राइस, पखाड़ भात के लिए हम लोग यूज करेंगे राइस है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगा, पर राजा बोल रहा है कम है, क्योंकि सारा तो राजा ही चट कर जाएगा, क्योंकि इतने महीनों के बाद में राजा पखाड़ भात खाएगा। अभी तुरंत बनाती हूँ फटाफट से, और तुमको थोड़ी पता है यार मैं तो अभी नई नई उड़िया बनी हूँ, नई नई उड़िया वाली बनी हूँ मैं। हरियाणवी खाना आता तो भाई बना के दे देती मैं। ठीक है चलो चलो, तेरे को मालूम है बनाना।
कुछ भी है ऐसे बोलोगे अपनी बीवी के बारे में? नहीं नहीं हम सही बोल रहे हैं। तुम आना कभी हरियाणा, तुमको खिलाते खाना। बाकी सब अच्छे खाते खाने बनाते हैं। राहुल, सोनम, मम्मी, पापा, इंक्लूडिंग पापा। अच्छा, बस तू क्या करना है, तेरे को बस ये मालूम है कि वैसे यूट्यूब ओपन करो, क्या बना है रेसिपी वो बना के चिपकाती है तू। मैं कितना उसको अच्छा खाना बना के देती हूँ, हेल्दी खाना बना के देती हूँ। ऐसा खाना बनाती हूँ तो यूट्यूब में भी वो रेसिपी नहीं होगा। नहीं, नहीं 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 नहीं, हेल्दी भी तू यूट्यूब से निकालती है, बॉइल करके खाना बनाती है, अच्छी बात है। बट अच्छा तो बॉइल करने के लिए क्या मैं यूट्यूब में ऐसे डालूंगी हाउ टू बॉइल दिस फूड? ऐसे तो आइडिया तो नहीं, यूट्यूब से लिया। साइड बाय साइड प्याज मेरा पकता है, तब तक मैं ये जो टमाटर है उसे छील लेती हूँ। राजा सिर्फ एक ही टमाटर काटना है? हाँ मतलब टमाटर पील करना है जो एक ही की? दो ठीक है, दो करती हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा खिड़की खोल देती हूँ, धुआं धुआं हो जाएगा मेरे खाने से। सारे मसाले मिक्स करते हुए अब इसने डाला है गरम मसाला इसमें, और अब इसमें जाए, इसमें भी डाल दिया तुम हल्दी? थोड़ा सा डाला, हाँ से निकल गया। अरे यार शिट, वो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। गंदा गंदा काम करवा रहे हो मेरे से यार। इसमें जाएगा आलू चकोटा लास्ट वाला। क्या खुशी है इसके मुंह पे। मैं पे काट रही हूँ प्याज अभी, ये जो टमाटर के लिए, तब से मैं बोल रही हूँ टमाटर टमाटर, हाँ उसका टाइम आ गया। अभी छोटे छोटे काट रही हूँ इस टमाटर को, हमको इसमें हम लोग निकालेंगे एंड आपको लास्ट में दिखाएंगे कि दिखता कैसा है। आलू चकोड़ा रेडी हो गया है। राजा ने कर लिया है रेडी। इसमें डाल रहा है नमक हल्का सा, हम लोग डाल रहे है लुक एट दिस पखाल रेडी। अच्छा और एक इस तरह का लेकर तो ये ला रही हूँ पानी डालने के लिए। ये रहा बॉटल, ये रहा राजा, अभी राजा करेगा काम और उसको देखते जाइए आप। टमाटर, अनियन, मिर्ची और नमक डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दो पहले। स्मैश करते हुए राजा, अगर दो मिर्ची और लेके आ सकते तो और अच्छी। हाँ ले आती हूँ अभी मैं, रुक जाओ। ऐसे मुँह बना बना के डालते है? अरे मेरे मतलब प्रेशर लगा रहा हूँ ना को तोड़ने के लिए, इसलिए। और खाल भात के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है दही, जो कि मैं लेके नहीं गई, मैंने घर का दही बनाया था। ठीक है तो ये मेरा होममेड दही है। इसको ये डाल दो ऐसे थोड़ा सा नींबू। हाँ तू भी नींबू डाल दो। बस मेरे को लग रहा है और लाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नींबू बहुत है, ज्यादा खट्टा हो जाएगा। थोड़ा सा दही ऐसे डाल दो चावल में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बीज नहीं तो अंदर जाएगा, फिर हम भी नींबू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नींबू। आप नींबू बन जाएंगे। मेरा चोखा, मेरा राजा का से लो, मेरा अपना जानबूझ के ज्यादा डाला है। हो गया तैयार। हां तो क्यूटू कैसे खाते हैं? सिखाते हैं ऐसे, पहले इसको ऐसे करो। क्या मजा आता है, उठाना है इसको ऐसे करना है गोल गोल। नहीं गोल गोल नहीं करना है। ये हो गया सबसे बहुत। ये खाना वह भले ही ऐसे दिखता हो पर खाने से बहुत अच्छा रहता है, और ये पेट के लिए भी बहुत ठंडक पहुंचाता है। हम लोग को ठंडक की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे राजा थोड़ा सा हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तुम तो खा चुके, मैं खाऊंगी। जस्ट आपको ऐसे स्कूप लेना है और उसको ऐसे डिप करके खाना है, और ऐसे उठाना है चोखा। टेस्टी है, डिफरेंट है। दोबारा चावल ले के साथ वो खा। ये मस्त बनाया है बिट्टू। हम लोग खाते हैं पखाड़ भात आलू चकोटा टमाटर जो भी है। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।